हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं इरशाद और आप देख रहे हैं सुनगर चैनल। जो दोस्तों आज आप हमारे साथ मौजूद हैं सिमल शेख। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूं खैरियत से होंगे, जहां होंगे खुश होंगे। जी दोस्तों, आज फिर हम एक नई वीडियो के रिएक्शन के लिए, और ज़बरदस्त इसलिए कहूँगा कि हाल ही में अभी एक दिन पहले जो है इटली के PM जो है इंडिया मोदी जी से मुलाकात की, और उन्होंने जो है बड़ा पुरजोर जो है उनका इस्तकबाल किया और बड़ा अहम उमूर पर जो है उनकी बातचीत हुई है। तो देखते हैं कि इस वीडियो में किस तरीके से उन्होंने जो है उनका इस्तकबाल किया। तो चलते हैं पहले वीडियो की जानी। दोस्तों चलते हैं वीडियो की जानी। वीडियो का टाइटल है पीएम मोदी एंड पीएम ऑफ इटली एट राष्ट्रपति भवन में इनका इस्तकबाल। बिल्कुल, वीडियो से पहले आप लोग हमारे चैनल को लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल के आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि सारी आने वाली वीडियोस आप तक पहुंचती रहे। जी तो देखते हैं वीडियो। और ये तस्वीरें राष्ट्रपति भवन की और इटली की प्रधानमंत्री इस वक्त गाड़ी आ रही है, पहुंची है और नरेंद्र मोदी वहां पे तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। राष्ट्रपति सेरेमोनियल रिसेप्शन, इटली की प्रधानमंत्री इस वक्त तस्वीरों में और प्रधानमंत्री के साथ में प्रधानमंत्री और दोनों ही नेताओं के चेहरों पर खुश मिजाजी के साथ में दूसरे का स्वागत करते हुए और राष्ट्रपति भवन में इटली की प्रधानमंत्री का स्वागत और प्रधानमंत्री की मौजूदगी और यहाँ निश्चित तौर से जो एक रस्म अदायगी नहीं बल्कि एक अपने आप में सम्मान देने का जो भाव होता है वहाँ नजर आएगा। यहाँ पे गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाएगा। पूरा जोश जो है ना वाला तरीके से मुलाकात हो रही है, बिछा हुआ दिखाई पड़ रहा है जिस पर शांति नजर आ रही है। भारत अपने इस मेहमान को सम्मान दे रहा है, ये इस बात का प्रतीक होता है और उनकी मौजूदगी ये दर्शाने के लिए काफी है कि भारत और इटली के संबंधों को आगे बढ़ाने के लिहाज से किस तरीके से बात बढ़ेगी। निश्चित तौर से राष्ट्रपति भवन की ये कारत जो कि यहाँ पे सलामी देगी। फ्लावर्स देखे जबरदस्त, सम्मान दे रहे इनको। इटली का जो है वो कौमी तरह ये इंडिया का सगाती महल। अच्छा महल है। जब जा रही है ये बहुत जबरदस्त। हम्म,
रायसेना डायलॉग का 8वां संस्करण आज से शुरू होने जा रहा है। पुरजोर इस्तकबाल किया जॉर्जिया मेलोनी चीफ गेस्ट है, मुख्य अतिथि हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उद्घाटन करेंगे। रायसेना डायलॉग का 3 दिन के सम्मेलन में 100 देश शामिल हो रहे हैं। और ये तस्वीरें अपने आप में बहुत कुछ बयां करती हैं। राष्ट्रपति भवन की ये तस्वीरें जहां पर इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी भारत यात्रा पर आई हैं। प्रधानमंत्री से शिखर के बाद में प्रधानमंत्री G20 मीटिंग में उनके सदस्य उनके साथ में एक परिचय होता हुआ, तमाम केंद्रीय मंत्री और तमाम वरिष्ठ अधिकारी जो केंद्रीय नितिन गडकरी भी हैं उनके साथ में एक परिचय मुलाकात फर्स्ट पहले पन्ना प्रधानमंत्री मोदी और इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया की एक तस्वीर साझा तौर पर सामने आएगी। निश्चित तौर से ये बेहद महत्वपूर्ण मौका और ये अपने आप में बताने के लिए काफ़ी है कि कैसे भारत और इटली अब और ज़्यादा करीब आ रहे हैं आपसी सहयोग को लेकर। और प्रधानमंत्री मेलोनी के साथ जो प्रतिनिधिमंडल आया जॉर्जिया नाम है, इस वक्त मुलाकात करते हुए परिचय प्राप्त करते हुए निश्चित तौर से ये शिखर का वो दौर एक औपचारिक मुलाकात और प्रधानमंत्री इस शिष्टमंडल का भारत में अभिवादन कर रहे हैं, स्वागत कर रहे हैं और निश्चित तौर से ये बताने के लिए काफ़ी है कि भारत और इटली के आपसी संबंधों को मजबूती देने के लिहाज से ये यात्रा काफ़ी महत्वपूर्ण है। भारत की G20 अध्यक्षता की पृष्ठभूमि में इस वर्ष का संस्करण विशेष महत्व रखता है। In Asia dall'inizio del mandato, nel 75esimo anniversario delle nostre relazioni bilaterali, che sono certa riusciremo a rafforzare. Grazie. इटालियन है भाषा भले ही अपने आप में अभी समझ में ना आई हो लेकिन चेहरे के जो भाव है वो ऋतु साफ समझ में आते हैं कि चेहरे की खुशी इस बात को दर्शाने के लिए काफ़ी थी कि जो उनका स्वागत हुआ इस्तकबाल हुआ उससे वो खुश नजर आ रही हैं। इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी और उन्होंने निश्चित तौर से इस बात के लिए भारत सरकार का शुक्रिया अदा किया होगा। इस यात्रा को कैसे एक तरीके से दोनों देशों के बीच में बहुत खुश आधार बनेगा उस दिशा में भी बात रखी होगी। और ये और अब से थोड़ी ही देर में दोनों देशों के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और प्रधानमंत्री मेलोनी के बीच द्विपक्षीय वार्ता भी होगी अब से थोड़ी ही देर में। बहुत जबरदस्त, बहुत जबरदस्त, बिल्कुल व्यू देखो पीछे कह सकते हैं क्योंकि दो देशों के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति प्रांगण में मौजूद शेक हैंड किया खुशी के साथ इस्तकबाल हुआ और निश्चित तौर से इस वक्त अपनी कुछ बात को साझा करती हुई प्रधानमंत्री मेलोनी प्रधानमंत्री मोदी के साथ में और वो निश्चित तौर से खुश नजर आ रही। चेहरे के भाव इस बात को साफ तौर पर इंगित कर रहे हैं कि उनकी ये भारत यात्रा को लेकर वो उत्साहित खुशी है और नमस्ते भी शेक हैंड भी ये दोनों चीज़ें अभिवादन में साफ तौर पर दिखाई पड़ रही हैं। ऋतु जिस बात का जिक्र आप कर रही थी रायसेना डायलॉग का 8वां संस्करण 100 से ज़्यादा देशों के बड़े बड़े दिग्गज लोग इस वक्त इसमें शिरकत करने के लिए अपनी मौजूदगी और मुख्य अतिथि के तौर पर रायसेना डायलॉग में इटली की प्रधानमंत्री जो जी दोस्तों आपने देखा इटली की प्राइम मिनिस्टर का कितना भाग है ना अंदाज में जो है जो है इस्तकबाल किया और बहुत जबरदस्त तरीके से किया और इतना अच्छा पूरे उसको सजाया हुआ था फ्लावर्स से और रेड कारपेट उनके लिए बिछाई गई थी। अच्छा जब उनको स्टेज पर आई तो उन्होंने अपने रिमार्क्स दिए लेकिन हमें भी समझ में नहीं आया कि उन्होंने क्या बोला लेकिन हाँ इटालियन लैंग्वेज में दिया लेकिन बड़े खुश नज़र आ रही हैं और G20 के हवाले से यहाँ पे मीटिंग कॉल की गई है और 100 से ज़ायद जो है ममालिक जो है यहाँ पर हिस्सा ले रहे हैं और मैं भी इस वीडियो से ही मुझे पता लगा कि वहाँ पर इस तरह जो है ना एक प्रोग्राम किया जा रहा है और जब इस तरह के कोई प्रोग्राम होते हैं मतलब आपको पता है कि मुल्क में जो है ना खुशहाली आती है। जब इटली की प्राइम मिनिस्टर आई तो अपने साथ काफी सारे डेलीगेट्स भी लेके आए होंगे, कुछ जो है ना सरकार होंगे, ताल्लुकात भी बहाल होंगे, बहुत सारी डील्स होंगी, तो काफी सारी जो है ना मिल ओनर या सनतकार जिनको कहते हैं कि वो आए होंगे तो वो लाजमी यहाँ पर जो है ना अपनी इन्वेस्टमेंट करेंगे। एशिया की सबसे बड़ी मार्केट है, मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ी मार्केट है इंडिया की जहाँ पर काम किए जा सकते हैं। यही वजह है कि यूरोपियन कंट्रीज जो है ना वहाँ पर माइल हो रही है और वहाँ जाके जो है ना अपने मैन्युफैक्चरिंग प्लांट और मल्टीनेशनल कंपनियों को जो है ना वहाँ पर जो है लाया जा रहा है और काम कर रहे हैं। तो क्योंकि एक बहुत बड़ी आबादी है और बहुत बड़ा देश है, बहुत बड़ा मुल्क है, तो उस हवाले से जो है वहाँ पर मार्केट बहुत बड़ी है, तो हर कंट्री चाहती है कि भाई हमारी प्रोडक्ट्स ज़्यादा से ज़्यादा सेल हों। तो ये भी आई हैं तो कुछ ना कुछ कुछ ऐसे माहदे होंगे जो कि हमें आने वाले वक्त में नज़र आएंगे और बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से इनका वालियाना अंदाज में जो है इस्तकबाल किया गया और
हिंदी में क्या बोलेंगे, स्वागत किया गया। स्वागत किया गया जी हाँ, तो इनका बड़ा अच्छे तरीके से जो है स्वागत किया गया। तो ये बड़ी एनर्जेटिक जो है ना नज़र आ रही थी, बिल्कुल जो एनर्जी आप देखें खुश थी, कितनी अच्छी थी और खुश हुई, उनको अच्छा लगा सब कुछ। बिल्कुल जिस अंदाज में उनको जो है ना उन्होंने उनका जो है स्वागत किया वो उन्हें बड़ा अच्छा लगा। और दोस्तों आप बताएं कि और कौन कौन से जो है ना ममालिक के लोग जो है वहाँ पर आए, कि कितनी कंट्रीज़ जो है वहाँ पर हिस्सा ले रही हैं। 100 से ज़ायद कंट्री का बता रहे थे हमने, तो एक यही वीडियो देखी और इटली की जो प्राइम मिनिस्टर है उनको बहुत ज़्यादा हाईलाइट किया जा रहा है। और वो दरअसल इटली से भी इनके काफ़ी अच्छे ताल्लुकात हो रहे थे और अभी बीच में तो कह रहे भी और मज़ीद अच्छे ताल्लुकात होंगे, काफ़ी सारी डील्स होनी है, तो इसलिए भी वो इटली से जो है काफ़ी सालों के बाद, मेरे ख्याल में 6 साल के बाद जो है ना कोई प्राइम मिनिस्टर इटली में आए। हाँ। और शायद ये पहले 6 साल इनको हो गए या 6 साल पहले कोई और आया था, वो आप अपनी कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मैंने यही सुना है कि ये 6 साल के बाद इटली से जो है कोई प्राइम मिनिस्टर यहाँ पर आए हैं दिल्ली माना इंडिया और उन्होंने आके जो है ना यहाँ पर जो है विजिट किया है। और जो इनकी बातचीत होगी तो वो तो बाद में ही पता लगेगा। इसके साथ ही मुझे और सिमर शेख को इजाज़त दें, हाँ अपने कमेंट से ज़रूर आगे करिएगा कि कितनी ज़बरदस्त ये वीडियो और उनका आने का क्या क्या जो है ना क्या क्या बेनिफिट्स हैं और क्या क्या इनके जो है पहले से प्रोजेक्ट चल रहे हैं वो भी अपने कमेंट्स में बताइएगा ज़रूर, ताकि हमारी नॉलेज में भी इजाफा हो और आपकी कमेंट्स से जो है काफ़ी सारे लोगों को जो है ये जो है ना मैसेज जाएगा। तो इसके साथ ही मुझे और सिमर को इजाज़त दें, फिर नेक्स्ट वीडियो में दोबारा से मुलाकात होगी। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली तमाम तरह वीडियो आप तक पहुंचती रहे। अल्लाह हाफ़िज़।